हेलो स्टूडेंट्स आई एम ए के सिंह आज हम लोग ट्वेंटी एट जून के मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेई मेन का एग्जाम हुआ है उसके फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने बच्चों से कलेक्ट किए हैं चलो वन बाय वन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ थ्री पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कार्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एज सोन इन फिगर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी देखो यहाँ पे जो q बाई टू वाला चार्ज है इसकी जो फील्ड आया ये e1 इधर हो गया जो इसकी फील्ड है इस पॉइंट चार्ज की ये e2 इधर हो जाएगा इसकी वजह से जो मैगने इलेक्ट्रिक फील्ड होगा e3 इधर होगा दिस एंगल इज़ 45 डिग्री इट इज़ आल्सो 45 डिग्री अब अगर हमें यहाँ पे नेट फील्ड निकालना है तो अब यहाँ देखो कैसे इसको लिखेंगे ई वन कॉस फोर्टी फाइव डिग्री प्लस ई टू प्लस ई थ्री कॉस फोर्टी फाइव डिग्री अब ई वन जो हुआ ये के क्यू बाई टू अपॉन ए स्क्वायर कॉस फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू ई टू की वैल्यू हो जाएगा के इंटू क्यू बाई रूट टू ए का स्क्वायर प्लस ये फिर हो जाएगा ई थ्री के क्यू बाई टू बाई ए स्क्वायर ये डिस्टेंस ए है इंटू कॉस फोर्टी फाइव वन बाई रूट तो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्यू बाई ए स्क्वायर वन बाई रूट टू प्लस वन बाई टू देर फोर आंसर इज फोर्थ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बॉडी दी हुई रिजिड बॉडी इधर इनका मोमेंट ऑफ इनर्सिया लिखा हुआ इसमें मैच मैं कराना कौन सा ऑप्शन सही है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सर्ड स्पेयर अबाउट इट्स टेंजेंट अब देखो जैसे मान लो ये स्लोयर है ये इसका डायमीटर हो गया और ये टेंजेंट हो गया तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया देखो तो आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर इस फॉर्मूले इसका टू बाई फाइव इसके अबाउट होता है तो सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर इसका मतलब इसका फर्स्ट वाले का तो ऐसा सही हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ हालोस्फेयर कितना होता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है ये आई इज इक्वल टू डायमीटर के अबाउट टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर दैट मीन्स इसमें क्या हो गया आर सी वाले पार्ट में मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर ये कितना होगा वन बाई फोर एम आर स्क्वायर ऐसे मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिंग कितना होगा वन बाई टू एम आर स्क्वायर इसमें देखो इस वाले में पी मैच कर गया और इस वाले में क्यू ये सारी मैचिंग किस में सेट हो रही फर्स्ट में देर फोर आंसर इज फर्स्ट वन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्टिकल हैंग सर्किल विथ रेडियस आर सेंट्रिपिटल एक्सलेशन वेरीज एज ए सी इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी टी स्क्वायर अब देखो जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे सर्किल पर घूम रहा तो इसमें दो तरह का एक्सेसन होता है एक ट्रेंजेंसियल एक्सलेशन एक सेंट्रिपिटल और जो वेलॉसटी होता है वो ट्रेंजेंट के अलांग होता है अब यहाँ आप देखो जो ए सी दिया हुआ है ये वी स्क्वायर बाई आर दिस इज इक्वल टू तो के स्क्वायर आर टी स्क्वायर तो यहाँ से मिला वी इज इक्वल टू के आर टी यहाँ से मिला वी इज इक्वल टू के आर टी अब इसमें जो टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा ये डी बी वाई डी टी ये कितना हुआ के इन टू आर अब यहाँ से देखो अगर हम इसमें टेंजेंशियल फोर्स निकाले तो टेंजेंशियल फोर्स हुआ मास इंटू टेंजेंशियल एक्सलेशन तो मास इंटू टेंजेंशियल एक्सलेशन एम इंटू के इंटू आर अब जो पावर होता है ये एफ डॉट वी होता है तो यहाँ देखो टेंजेंट कैलांग वेलोसिटी है तो जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वो पावर देगा नॉर्मल फोर्स पावर नहीं देगा क्योंकि उसके लिए एंगल नाइन्टी डिग्री हो जाएगा तो सिंपली ये टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलासटी लिख सकते हैं तो एम के आर इंटू वी की वैल्यू कितना है

टी TA टी बी इज इक्वल टू आर ए अपान आर बी पावर थ्री बाई टू अब यहां से देखो ये हो गया टू इज इक्वल टू आर ए अपान आर बी पावर थ्री बाई टू यहां से मिला आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू टू पावर टू बाई थ्री फोर पावर वन बाई थ्री देर फोर आंसर इज फर्स्ट वन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन करंट आई इज फ्लोइंग इन ए लॉन्ग थिन हालो सिलेंडर चूज करेंट ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सेस अब इसमें देखो जैसे मान लो ये सिलेंडर है इस टाइप से और यहाँ से एक्सेस से आर डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसमें आई करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में मान लो यहाँ पे ऐसे आई करंट का फ्लो हो रहा तो इसमें हम लोग जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर तो ज़ीरो होता है और आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई बाई आर तो ये आर लेस देन आर हो गया ये आर इज इक्वल टू आर हो गया यहाँ देखो इन साइड तो जीरो होगा यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ बी इज इक्वल टू जीरो और इसमें बी प्रपोर्सनल टू वन बाई आर देर आंसर इज फर्स्ट वन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इकेशन ऑफ टू एस एच एम्स एक्स इज इक्वल टू फोर साइन ओमेगाई टू माइनस ओमेगा टी वाई इज इक्वल टू फोर साइन ओमेगा टी दे रिजल्ट एंड मोशन अब इसमें देखो यहाँ पे जो एक्स गिवेन है दिस इज इक्वल टू फोर साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी तो ये आपका आ गया एक्स इज इक्वल टू फोर कॉस ओमेगा टी एंड वाई इज इक्वल टू फोर साइन ओ मेगा अब यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखें दिस इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर तो ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा इन ये सर्किल क्यू कैसन है रिजल्टेंट तो पाथ कैसा होगा सर्किल देर फोर आंसर इज सेकेंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप इज ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर सेंटीमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट टू फोर फोर जीरो एंगल्स देन इट्स रिजॉल्विंग पावर बिल वी अब देखो जो इसमें रिजॉल्विंग पावर होगा दिस इज इक्वल टू ए अपॉन वन पॉइंट टू टू लैमडा अब इसमें ए कितना है ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर टेन टू दावर माइनस टू अपॉन वन पॉइंट टू टू लैमडा टू फोर फोर जीरो टेन टू दावर माइनस टेन अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा एट पॉइंट टू इन टेन टू द पावर फाइव

अब अगर हम यही बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम यही बात इलेक्ट्रॉन के लिए कहें तो ये कितना होता है पी स्क्वायर बाई टू एम अब इसमें देखो जो लैमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डी बॉब्ल्यू बेबलेंथ का ये कैसे लिखते हैं एच अपॉन पी तो यहाँ से पी की वैल्यू पुट करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन टू एम लैमडा ई स्क्वायर इट इज ई अब दोनों ई e को इक्वल कर लो तो एच सी बाई लैमडा पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन टू एम लैमडा ई स्क्वा तो यहाँ से मिला लैमडा पी प्रपोशनल टू लैमडा ई स्क्वा देर फ्रांसर इज थर्ड वन